आज के मुसलमान जो एक धब्बा है मुसलमान के नाम पे, जैसे कि गुंजन सेठ। मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाभ मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों कहते हैं कि मुसलमान एक ऐसी जात है जो कि अगर थोड़ा भी ईमान कहीं ना कहीं अगर जिंदा है तो वो अपना बिल्कुल भी अपनी जमीर बेच नहीं सकता है। लेकिन आज के मुसलमान जो एक धब्बा है मुसलमान के नाम पे, जैसे कि गुंजन सेठ जो MIM से जो पर्चा भरा था और आज उन्होंने बाकायदा जाके 2:30 बजे के टाइम में उन्होंने वो पर्चा वापस ले लिया, तो ये मुसलमान की एक जो है आज जमीर जो है इस तरीके से पूरा मुमरा कौसा के अंदर जो आवाम थी उनका भरोसा और उनकी यकीदा जो है ये इस तरीके से एक मुसलमान तोड़ रहा है दूसरे मुसलमान का, तो गैर लोग जो है वो कहां से एक मुसलमान के ऊपर भरोसा करेंगे। और ये जब पर्चा लेने की खबर आई उसके बाद जो MIM के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग थे, सब सड़क पे आ गए और बहुत हड़कंप मच गया इस चीज को लेके, और उनके घर के ऊपर सारे कार्यकर्ता पथराव करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर जो है पुलिस आके इस मामले को रोक दी। बहरहाल ये मामला बहुत गर्म है और इससे जो है हमने रऊफ लाला जो है एक जूने जो है एक बहुत पुराने राजनेता हैं और रऊफ लाला ने बहुत मेहनत की है इस पार्टी के लिए, उन्होंने देखिए क्या कहा है और क्या लोगों को संदेश दिया है। उस मैसेज के अंदर मैंने असद साहब को आखिरी मैसेज जो भेजा उसमें मैंने लिखा कि असद साहब मैंने आज तक कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं दी है, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट मैनेज हो जाएगा। ये पहले एक बार जो है कॉर्पोरेशन जीतते शिवसेना से मैनेज हो चुका था, कोकण भवन से, आपको पता है कोकण भवन से हमने इसको पकड़ के लाया था, ये सुभाष भोईर के साथ वहाँ से पैसे लेके मैनेज हो रहा था। अभी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन और MIM के कैंडिडेट के सामने मतलब जो है इसने जो है अपने भतीजे को जफर सैयद को कैंडिडेट बना दिया था और मतलब जो है इतना शिंदे से इसने छोड़ की थी वो खबर हमको मतलब आई। मैंने वो ऊपर अरफात अवेसी को और असद साहब को मैंने वो भेजा कि भाई ये खबरें मतलब आ रही हैं। अभी मैंने 25 सितंबर को जो ये खबर असद साहब को भेजी, अरफात अवेसी को, अहमद बलाला को, वारिस पठान को, इम्तियाज जलील, इतने लोगों को मैंने वार्न किया कि आप लोग गलत फैसला करने जा रहे हो, यह आदमी मतलब जो है मैनेज हो जाए। यहाँ लोगों की कुर्बानियाँ हैं, लोगों ने झूठे केस आंग पे लिए हैं, यहाँ लड़ाई लड़ी है, हमारी लड़ाई अवार्ड से है, हमारे शहर को बर्बाद किया जिस शख्स ने उससे हमारी लड़ाई है और ये शख्स बिक जाएगा और ये हमारे सबको पूरी मजलिस को बेचेगा, आपको आपके नाम को बेचेगा, ये बदनाम कर देगा। मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, मेरे कोई मैसेज का जवाब ना असद साहब ने, ना इम्तियाज जलील ने, ना वारिस पठान ने, किसी ने नहीं। मैं वारिस पठान के ऑफिस चल के गया, मैंने वारिस पठान से कहा कि मैंने कहा देखो ये रिपोर्टें मेरे पास आ रही है कि ये आदमी को बाकायदा टिकट दिलाया जा रहा है। उसके बाद कस्में खाई गई मेरे सामने, लाश हम नहीं उतर रहे। आप कौन लोग थे कस्में खाने वाले? वो लोग वारिस पठान कस्में खाया है, वारिस पठान अरफात अवेसी ने कस्में खाई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मतलब करके कि नहीं भाई जमात का एहतराम किए, जमात का फैसला है, जमात का ये है, इसको टिकट दिलाने में यहाँ तक रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि अहमद बलाला और अरफात अवेसी का इसके अंदर रोल कि इसको मतलब जो टिकट दिलाया जाए उनका मतलब इसके अंदर भूमिका थी, उनका रोल था। ये खबरें मेरे पास आ रही थी, ये खबरें मतलब जो सारी की सारी हम तक पहुँच रही थी, इसलिए कि पिछले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में लास्ट दिन हमने इतनी मेहनत की, आखिरी दिन हमारी अकबरुद्दीन अवेसी साहब की जो रैली थी वो रैली लास्ट मोमेंट पे कैंसिल की गई। और मैं आपको नाम ले लूँगा, एक पुलिस ऑफिसर ने इलेक्शन के बाद मुझे ये बताया कि वो रैली आपकी जो है अकबर साहब की तबीयत की वजह से कैंसिल नहीं की गई बल्कि अकबर साहब को ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई कि उमरा के लोगों ने जो है रैली तुम्हारी ख़त्म की, वो रैली ख़त्म करने का अवार्ड से पैसा लिया गया। ये खबरें मतलब आई, ये सारी बातें मैंने हैदराबाद में मतलब की, सब चीज़ें जिम्मेदारान के कान पर मैंने डाला। मैंने कहा देखो ये बिकेगा, मैं नहीं उतर रहा था, हमारे लोगों ने नाराजगी दिखाई, कुछ लोगों ने मुझसे मतलब जो था फ़ोन करना शुरू किया, रहो भाई आप उतर रहे नहीं, लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, रहो भाई घर में बैठ गए, क्या हो गया, उतर रहे नहीं है, बाथरूम में घुस गए क्या, बिक गए क्या, इस तरह के सवाल। मैं उतरा ईमानदारी से, मैंने सारे MIM के लोगों को इकट्ठा किया, उनके सामने ये गुंजन सेठ ने और उनके साथ अब्दुल रऊफ पटेल, ये दोनों ने वहाँ पे हल्फ उठाकर सारी MIM की टीम से पूछिए। रऊफ पटेल ने कहा था अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूँ कि हमने दो सवाल किए थे कि एक तो ये हमको आश्वासन दीजिए गुंजन सेठ बिकेगा नहीं, बैठेगा नहीं,
और दूसरा आश्वासन ये दीजिए कि जो जरूरी तकाजे हैं, ऑफिसेज खोलना है, बैनर लगाना है, झंडे लगाना है, पब्लिसिटी करना है, सभाएं लेना है, ये सारी चीजें ये करेगा। हमको कसम खा के ये दोनों लोगों ने, गुरु पटेल ने और गुंजन सेठ ने कसमें खा के हमको ये आश्वासन दिया। उसके बाद हमारा हर बच्चा ईमानदारी के साथ उतर गया। इसमें से एक एक नौजवान दुश्मनी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड को घुमाने वाले लोग उससे डरते हैं, उसके बाप से कोई नहीं डरता। यहाँ पे डट के हम उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार हुए, लेकिन हुआ क्या, कल जैसी मैं उतरा हूँ और उसके बाद मेरा वीडियो वायरल हुआ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और मैं जो है तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का मेड़ावा ले रहा हूँ और उनको लगा कि अब ये जोश भर देगा, मोटिवेट कर देगा, सड़कों पर लोगों को उतार देगा। कल रात में 3 बजे मुझे अभी किसी ने बताया, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, एक फ़ोन मुझे अभी कलवा से आया था और मुझे उन्होंने बताया कि रात के 3 बजे इसका सौदा जो है तो हो गया जितेंद्र आवाज से, और 2 बजे इसने अकेले जाके, हम 2 बजे इसके ऑफिस में बैठे हैं कि बात करो, प्रेस वालों से बुला के बात करो, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए बात करो, उनके ऑफिसर्स की बात करो, उसके ऑफिस में बैठ कर मतलब जो है हम ये कर रहे हैं, हमको टहला रहा है वहाँ पर, और बाद में खबर ये आती है कि 2 बजे जाकर जो है तो हाजी मजीद तो मैंने समझाया। अच्छा रूप भाई, इतनी सारी जानकारी आपने सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को दी और लोगों ने दी, उसके बावजूद उन्होंने गलत फैसला लिया, गलत उम्मीदवार थोपा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको जैसे शुरू में बता दिया, कहीं ना कहीं अरफात अवैसी और अहमद बलाला इन लोगों ने, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं असद साहब को, इसलिए अकबर साहब तो थे नहीं, वो लंदन है, असद साहब को कहीं ना कहीं इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। जब बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद साहब को किसी ने ये सवाल किया मीडिया वाले ने कि आपने कमज़ोर कैंडिडेट दिया, उसके बावजूद भी वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया, इसलिए कि उनको ये गलत बयानी मतलब जो की गई। मैं अभी असद साहब को कंटिन्यू 2 घंटे से फ़ोन लगा रहा हूँ, अरफात अवैसी को कंटिन्यू फ़ोन लगा रहा हूँ, कोई मेरा फ़ोन उठा नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है, ये सेटिंग कहीं टॉप टू बॉटम तो नहीं है, दारुसलाम से लेके सीधे मुमरा तक? वल्लाह आलम, मैंने बता दिया कि मुझे खबर अरफात अवैसी और अहमद बलाला की है जी, कि ये सारा के सारा मतलब जो है करने के अंदर। अच्छा, ये पूरा सौदा एक अंदाजन क्या आपको मालूम मिली, कितने में हुआ, क्या? नहीं, मेरे पास ये फिगर का कोई ये नहीं। देखिए, एक बात सुन लीजिए जी, जाहिर सी बात है कि जी बरकतुल्ला शेख गुंजन ने सिर्फ अपने आप को नहीं बेचा है ना जी, वो बेचता अपने आप को तो उसकी औकात नहीं 2 करोड़ की होती, उसने पूरी मजलिस को बेचा और मजलिस की इतनी मत थी और उसने पूरी मजलिस का सौदा किया, तो जाहिर सी बात है कि इसने करोड़ों में रकम दिया। मुझे बिल्कुल ये अंदाजा है कि इसने कि मैं जितेंद्र आवार के पास रह चुका, मुझे मालूम है इलेक्शन के वक्त जो है उसके सर पर खून सवार होता है, ये करोड़ों में सौदा हुआ होगा, मुझे पूरा मतलब उम्मीद है। लेकिन ये सौदा किसका हुआ, उन मासूम बच्चों के कार्यकर्ताओं को, जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे, जो असद साहब के नाम पर अपनी जान दे कर जा। अच्छा, मेरे 2 ही सवाल अभी आपसे हैं सिर्फ। पहला सवाल ये कि इस सीनियरियो के बाद, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम आज रात में इंशाल्लाह मीटिंग लेंगे, एमआईएम के सारे पदाधिकारियों को, एमआईएम के सारे कार्यकर्ताओं को हम बुलाएंगे, सबसे मशवरा करेंगे और उस मशवरे के बाद हम फैसला लेंगे और आप लोगों को बताएंगे। मेरा आखिरी सवाल, राजनीति में चुनावी मैदान में लड़ने की बजाय इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके जीत हासिल करने को क्या कहेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, जितेंद्र आवार को जो ये मालूम है वो अपनी जमीन खो चुका है। मर्द का बच्चा जो है ना, जो लड़ने के लिए मैदान में आता है अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से ना, वो सियासी अपोजिशन को रहने देता और अपनी लड़ाई लड़ता है। सियासी अपोजिशन को रहने दो और लड़ो, तुमको मुमरा की आवाम तुम्हारी औकात बता देंगे। लेकिन जितेंद्र आवार को पता था कि मजलिस जो है मेरा पोटला करके मतलब रुख्सत कर देंगी, इसकी वजह से उसको ये खेल खेलना पड़ा कि पूरा के पूरा उसको मैनेज करना पड़ा, सब जगह हर जगह उसको मैनेज करना। मुमरा कौसा की आवाम से क्या अपील है आप? मुमरा कौसा की आवाम से मैं अपील ये करना चाहता हूँ, हमारी मजलिसियों की कोई जाती लड़ाई मतलब जो है जितेंद्र आवार से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। इस शहर के अंदर आज मासूमों को, हमारी नस्ल को नशे की लत में लगाकर जो तबाह किया जा रहा है, आपको पता है कल एक एनसीपी का आदमी, रात की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, कल रात की बात है, एक एनसीपी का आदमी मेरे सामने किसी से बात कर रहा है और बड़े एहतराम में बोल रहा है कि अभी तो जितेंद्र आवार का एकदम साफ कहना है, या तो मेरे बाजू में बैठो वरना जो है जेल में बैठो।
यानी कि भाजपा भाजपा जो ईडी के जरिए पूरे देश में खेल खेल रही है, खेल ये मतलब जो है नरेंद्र का देश भर में चलने वाला खेल मुमरा में जितेंद्र खेल रहा। देखिए यही मैं बता रहा हूँ, मैंने यही बात जिम्मेदारान को लिख कर भेजी थी के गुंजन सेठ पर इतने केसेस हैं कि उसके ऊपर उंगली रख के कभी भी दबा सकता है और इनको दो फोटो बता सकता है, या तो नॉट ले लो या जेल जाओ, ये इसकी रणनीति है। ये लड़ के जीता और जो बोलता ना अल्लाह का करम है मेरे पे मोहब्बत, तो मोहब्बत पता चल जाती अगर ये लड़ता तो। बहरहाल अभी देखना है कि ये नजारा आगे तक कहां जाता है, कितना दिलचस्प है। बहरहाल गुंजन सेठ ने जो जितेंद्र अवार्ड का रास्ता एकदम साफ कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है। अब इसमें कोई लड़ाई या कोई इसमें ये नहीं दिख रहा है, ये वन साइड जो भी है इलेक्शन होने वाला है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।